शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया है। दर्शकों के दिमाग में सवाल ये है कि रईस और काबिल में से कौन सी फिल्म देखी जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि इस मुश्किल को आपके लिए आसान कर सके। अगर नेगेटिव रोल्स की बात करें तो शाहरुख खान इन रोल्स में अलग ही जान डाल देते हैं। रईस के पहले लुक में ही शाहरुख की काजल लगी आंखों ने काफी लड़कियों के होश उड़ा दिए थे। और रईस की कहानी गुजरात के अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ के इर्द गिर्द घूमती है। रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से अब्दुल लतीफ की कहानी को बुना है और शाहरुख खान अब्दुल लतीफ पे आधारित रईस आलम का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख खान के अलावा रईस में दो और एक्टर्स हैं। पहले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दूसरी हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस महिरा खान, जो इस बार इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। अगर रिव्यूज की माने तो शाहरुख खान ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है और नवाज के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत दमदार और बेहतरीन देखने को मिली है। राहुल ढोलकिया का लेखन और फिल्म के गानों ने कहानी को एक अच्छी पेस दी है। महिरा खान ने अपने किरदार और एक्टिंग से कुछ खासा मजा नहीं दिया है। पिछले साल आई मोहनजोदाड़ो के बाद दर्शकों को ऋतिक रोशन से काफी उम्मीदें हैं। काफी समय के बाद राजेश, राकेश और ऋतिक एक साथ काम करते हुए दिखाई दिए हैं। इस फिल्म में ऋतिक एक दिव्यांग इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है। नेगेटिव रोल्स में रॉय ब्रदर्स यानी रौनित रॉय और रोहित रॉय भी देखने को मिलेंगे, जो पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। अगर रिव्यूज की माने तो ऋतिक रोशन की एक्टिंग और मौन अमोर में उनका डांस काबिले तारीफ है, पर इनके अलावा बाकी गानों में कुछ खासा दम नहीं है। इसके बावजूद फिल्म बोरिंग नहीं लगती और बाकी किरदारों ने फिल्म में अच्छी भूमिका निभाई है। बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों ने काबिल देखने के लिए रेकमेंड किया है और काबिल के गानों से जज करें तो ऋतिक और यामी की केमिस्ट्री देखने लायक होगी।